दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली में नया घर मिल गया है। आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल का घर बेहद खास है। दिल्ली के भगवान दास रोड पर दो ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स केजरीवाल के नाम अलॉट किए गए हैं। इन दोनों ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स में पांच पांच कमरे हैं, यानी केजरीवाल के पास कुल 10 कमरों वाला घर है। लेकिन यहां आपको बता दें कि दो फ्लैट्स में से एक में सीएम केजरीवाल का कैंपस ऑफिस होगा, जबकि दूसरे में केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। यानी पांच कमरे रहने के लिए और पांच कमरे ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। दोनों फ्लैट मिलाकर कुल 18,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो रहा है। यानी दोनों फ्लैट में बने लॉन को भी मिला दें तो ये घर सुप्रीम कोर्ट के जज या कैबिनेट मिनिस्टर को मिलने वाले बंगले से भी बड़ा है। डीडीए ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स बंगला नंबर 6 और 7, ये होगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पता। और अगर किसी भी व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल से मिलना होगा तो वो इसी पते पर आएगा और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री से वो मुलाकात कर सकता है। ये डीडीए ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स है और इसका बंगला नंबर 6 और 7 फिलहाल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली सरकार को सौंपा जा चुका है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए, और वहां पर लगातार काम भी चल रहा है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का ये रास्ता है जो कि बंद रहता है, यहां पर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं आ सकता है। अंदर जाने के लिए यहां पर एक सिक्योरिटी पॉइंट है। भैया अंदर हम लोग जा सकते हैं क्या? अंदर हम लोग जा सकते हैं? कोई भी नहीं जा सकता बिना परमिशन के? बिना परमिशन कोई भी नहीं जा सकता? तो बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, तो एक आम आदमी कैसे आएगा दिल्ली के एक आम मुख्यमंत्री से मिलने, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल इस कॉम्प्लेक्स का बंगला नंबर 6 और 7 तैयार हो रहा है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए। ड्यूप्लेक्स हैं दो, पांच पांच बेडरूम के, और उनके बीच में एक पार्टीशन है जिसको हटाया जा रहा है। बंगला नंबर 6 में अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे और जो 7 नंबर बंगला है वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस बनाया जाएगा। लेकिन ये गेट तो बंद रहेगा, ऐसे में आम आदमी आकर कैसे मिलेगा? क्या इस गेट को खोल दिया जाएगा? क्योंकि अंदर सारे बड़े अधिकारी रहते हैं और अंदर जाने के लिए यहां पर परमिशन लेनी पड़ती है, बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो फिलहाल ये दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का निवास होगा, ये बात साफ हो चुकी है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से बंगला नंबर 6 और 7 की चाबी दिल्ली सरकार को सौंपी जा चुकी है। अंदर साफ सफाई का काम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार ने भी सहमति दे दी है। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि वो एक फ्लैट में रहेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ और एक आम आदमी की तरह रहना वो चाहते हैं। लेकिन ये जो दो बंगले हैं, बंगला नंबर 6 और 7, पांच पांच बेडरूम के ये बंगले हैं और शायद आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है, मैं ये कह सकता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उनसे भी बड़ा निवास है जो कि अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है। तो फिलहाल अंदर तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर जल्दी आकर रहना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या आम आदमी की पहुंच में वो रहेंगे? क्योंकि यहां पर तो एक दरवाजा लगा हुआ है जिससे अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो ऐसे में आम आदमी से कैसे उनका कॉन्टैक्ट रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैसे आम आदमी यहां पर आकर मुलाकात कर सकेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल ने और उनके परिवार ने इस बंगला नंबर 6 और 7 जो कि 7 भगवान दास रोड पर है, उसके लिए परमिशन इसलिए भी दी है क्योंकि यहां से दिल्ली सचिवालय काफी नजदीक है और उसके साथ कनॉट प्लेस में जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वो भी यहां से काफी नजदीक पड़ता है। इसी वजह से भी परमिशन दे दी गई है अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की तरफ से। तो जल्द ही अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहां पर रहना शुरू कर देंगे। दिल्ली से कैमरा प्रकाश बिष्ट के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 24। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का पता नया होगा और बहुत ही जल्द भगवान दास रोड के फ्लैट नंबर 6 और 7 में अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से दिखाते हैं क्या कुछ खास है अरविंद केजरीवाल के इस घर में। दिल्ली के भगवान दास रोड पर अरविंद केजरीवाल को ये घर मिला है। केजरीवाल को दो ड्यूप्लेक्स फ्लैट मिले हैं। एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट में 5 कमरे हैं और कुल मिलाकर अगर दोनों ड्यूप्लेक्स फ्लैट की बात करें तो कुल मिलाकर 10 कमरे हैं, जिसमें से एक फ्लैट का इस्तेमाल यानी कि 5 कमरों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के तौर पर किया जाएगा और 5 कमरों के फ्लैट में अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। 9,000 स्क्वायर फीट में बना है एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट, यानी कि 18,000 स्क्वायर फीट में ये दोनों ड्यूप्लेक्स फ्लैट बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़ा घर अरविंद केजरीवाल को
मिला है। अरविंद केजरीवाल के नए घर के बाहर से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कयास लगाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल पहले तो फिलहाल पहले मना कर रहे थे कि वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, बिल्कुल आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सरकारी बंगला, दो बड़े सरकारी बंगले यूं कहें कि उनको मिलने वाले हैं। कब तक अरविंद केजरीवाल यहां पर शिफ्ट करेंगे? देखिए, फिलहाल ये तो साफ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कब तक यहाँ पर शिफ्ट रहेंगे, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की मांग थी कि उनको एक फ्लैट ऐसा दिया जाए जो कि आम आदमी जिस तरह से रहते हैं दिल्ली में उस तरह का फ्लैट हो, लेकिन वो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने जा रहा। दो ड्यूप्लेक्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये DDA ऑफिसर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर भगवान दास रोड पर। अंदर जाने का ये रास्ता है और अंदर 7 बंगले हैं एक कतार में, और इसी कतार में जो आखिरी के 2 बंगले हैं, बंगला नंबर 6 और 7, वो अरविंद केजरीवाल को दिए जा रहे हैं। एक बंगला नंबर जो 7 है वहां पर कैंप ऑफिस बनाया जाएगा, और बंगला नंबर जो 6 है डुप्लेक्स नंबर 6, वहां पर अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग यहां पर आए थे, उन्होंने इस बंगले को देखा और उसके बाद उन्होंने परमिशन दी है, जिसके बाद यहां पर फिलहाल साफ सफाई का काम चल रहा है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। भगवान दास रोड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंडी हाउस को प्रगति मैदान से जोड़ता है, काफी हैवी ट्रैफिक वाला ये रोड है और यहां पर पार्किंग की कोई खास व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर आकर रहेंगे तो उनसे मिलने के लिए काफी लोगों का सिलसिला लगा रहेगा। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल फिलहाल रह रहे थे, उनके घर के बाहर कैसे जनता दरबार लगा करता था, तमाम लोग यहां आया करते थे उनसे मिलने के लिए, ये हम सबने देखा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो जनता से सीधे कनेक्शन जनता दरबार के थ्रू ही करते हैं, क्या यहां पर पॉसिबल होगा कि इतने सारे लोग उनसे मिलने आए, अपनी मांगे वहां पर रखें, अपनी समस्याएं रखें? चूंकि आपकी रिपोर्ट में हमने पहले ही देख लिया कि यहां पर आम लोगों का पहुंचना, हालांकि मीडिया का भी अंदर जाना, यहां पर लगभग नामुमकिन सा लगता है। देखिए, मुख्यमंत्री का घर अगर है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, लेकिन कितने लेवल पे परमिशन लेनी होगी, कितने लेवल पे सिक्योरिटी लगाई जाएगी, क्योंकि ये अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी पॉइंट पहले से ही बना हुआ है। पीछे के 2 ड्यूप्लेक्स हैं, पीछे के 2 मकान है जहां पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, अपने परिवार के साथ अपना कैंप ऑफिस बनाएंगे। तो बाकी जो यहाँ पर सरकारी अफसर रहते हैं वो क्या उनको उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। और जनता दरबार अपने दफ्तर पर ही लगाएंगे ऐसा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यहां से अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की दूरी महज 2 किलोमीटर है। तो ऐसे में वो यहां से आसानी से अपने आम आदमी पार्टी के कनॉट प्लेस के दफ्तर में जा सकते हैं, और दिल्ली सचिवालय भी यहां से काफी नजदीक है।